क्या आपको पता है हिंदू धर्म के चार धाम कौन से हैं? आज हम आपको इन्हीं चार धामों के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी, राधे राधे, और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। सनातन शास्त्रों में चार धाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। दैविक काल में इन स्थानों को दूसरे नामों से जाना जाता था। वर्तमान समय में चार धाम के नाम से इन्हें जाना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा पर काफी असर पड़ा और इस यात्रा को बंद भी कराना पड़ा। लेकिन जैसे ही कोरोना के नियमों में थोड़ी ढील दी गई, लोग फिर से चार धाम की यात्रा पर चल दिए। तो आज आपको चार धाम के बारे में बताते हैं। चार धाम में पहले आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में है। हर साल दिवाली के अगले दिन से सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद गर्मी आने पर कपाट को फिर से खोला जाता है। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ बर्फ की चादर से ढक जाता है। बद्रीनाथ चार धामों में से एक है। इसके अलावा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और चार धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम के अलावा देवों की भूमि उत्तराखंड में तुंगनाथ और मदमहेश्वर मंदिर भी है, जो सर्दियों में बंद रहता है। द्वारका। महाभारत में ये बात वर्णित है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। ये शहर गुजरात राज्य में है। इतिहासकार मानते हैं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ने करवाया है। कालांतर से मंदिर का विस्तार होता रहा है। इसका व्यापक विस्तार 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसके पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने द्वारका मंदिर का दौरा कर शारदा पीठ की स्थापना करी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना है। द्वापर युग में द्वारका नगरी थी, जो आज समुद्र में समाहित हो गई है। वर्तमान समय में इस पावन स्थल पर द्वारकाधीश मंदिर है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए दो दरवाजे हैं। मुख्य प्रवेश द्वार को मोक्ष द्वार और दूसरे को स्वर्ग द्वार कहते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की चांदी की मूर्ति स्थापित है। जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर ओडिशा में है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण समेत बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा होती है और हर साल जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ये तीनों यात्रा करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जगन्नाथ यात्रा होती है। रथ यात्रा देवशयनी एकादशी के दिन समाप्त हो जाती है। कालांतर से यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के पूर्वक मनाया जाता है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी बहन सुभद्रा को नगर की सैर करवाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में उपस्थित होते हैं। सामान्य दिनों में भी भक्तों की इस मंदिर में भीड़ ज्यों की त्यों बनी रहती है। रामेश्वरम। चार धाम में एक धाम रामेश्वरम भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका जाते समय रामेश्वरम में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना करके उनकी पूजा की। ये प्रतिमा राम जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई थी। राम जी ने इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा था। त्रेता युग से रामेश्वरम में शिव जी की पूजा होती आई है और वर्तमान समय में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थस्थल बन गया है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप चार धाम की यात्रा पर जरूर जाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जानकारी देना था। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि चैनल नहीं करता। ये जानकारी विभिन्न आलेखों द्वारा आप तक पहुंचाई गई है। राधे राधे।